जो FIR दर्ज की है उसका सीधा सीधा मकसद सिर्फ ये है कि पुलिस और प्रशासन ने जो घटना को अंजाम दिया है उसको मेरे ऊपर मनने के लिए, अपनी लापरवाही नाकामी को छुपाने के लिए, और मैं अपने लोगों की, क्षेत्र के लोगों की जायज़ कानूनी मदद नहीं कर सकूं, इसलिए मेरी आवाज़ को दबाने का प्रयास किया है। लेकिन गलतफहमी के शिकार हैं वो लोग। मुझे अपने मुकदमे की इससे ज़्यादा अपने क्षेत्र के लोगों की फ़िक्र है, उनकी फ़िक्र है जिन 5 मासूमों की हत्या हो गई, उनकी फ़िक्र है जिनके खिलाफ, जो बेचारे आज घायल हैं दर्जनों की तादाद में, मुझे फ़िक्र है उन लोगों की जिनके खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज कर दिया गया और अब उनके खिलाफ आगे को फर्जी कार्रवाई की जाएगी। मैं मांग करता हूँ, मैं आज हम माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में स्पीकर साहब से भी मिले हैं और मेरी माननीय सर्वोच्च न्यायालय से भी गुजारिश है कि संज्ञान लेकर के इस उसमें सख्त कदम उठाएं। जिन लोगों ने, पुलिस प्रशासन के लोग जो इस प्रदेश और देश के रक्षक हैं, उन्होंने हमारे मासूमों की हत्या की है और प्री प्लान तरीके से जिस तरह से इस घटना को अंजाम दिया गया है, बहुत अफसोस की बात है और आने वाले समय के लिए एक बहुत गलत मैसेज है। मैं चाहूँगा उनके खिलाफ़ न्यायिक जांच होनी चाहिए और जो अधिकारी इसमें संलिप्त हैं उनके खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज हो। मेरी मांग है सीओ संबल अनुज चौधरी, जिसने उसमें अहम रोल रहा है, और सीओ के साथ साथ चाहे SP हो, DM हो, कोई किसी का रोल सही नहीं है। मैं चाहता हूं उनके खिलाफ जांच हो और मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई हो, जिससे कि हक और इंसाफ मिले और आने वाले समय में इस प्रकार की कोई घटना। अगर कोई किसी के घर पर सर्वे करने आ रहा है, चढ़ाई करने आ रहा है, जिसे पता ही नहीं हो कि हमारे यहाँ पर कौन आने वाला है, तो प्लानिंग वो कौन कैसे कर सकता है? प्लानिंग करने वाले तो ये वो लोग हैं जो सर्वे करने के लिए यहाँ पर आ रहे थे, और पूरी प्लानिंग के तहत सरकारी असलों के साथ साथ प्राइवेट असलों का इस्तेमाल किया ही ना पुलिस के अधिकारियों ने, इस वजह से कि जिससे कि कोई एविडेंस नहीं मिल सके। और मुझे बहुत अफसोस है जो ये ऐसी घटना, मानवता को झकझोरने वाली ये घटना घटी है। इससे पूरा प्रदेश नहीं, पूरा देश शमशार हो रहा है और पूरे आपस में एकता को तोड़ने का काम किया है और पूरे संविधान की धज्जियाँ उड़ाई हैं।